तो गाइस आज मेरे न्यू फ्रेंड आने वाले हैं, तो चलो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। चले चलो चलो। सो गाइस आ चुके हमारे न्यू फ्रेंड लच्छू भाई। ये आ जाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस ये देखो सारे वाइट शूज आज मैंने धो दिए हैं और फिलहाल अभी यहाँ बैठा हूँ धूप में मस्त। मैं भी और भी मस्त हो रहा है यहाँ पे धूप में, बिकॉज अंदर ठंड हो रही थी ना, रात को नहीं ठंड लग रही है ना, पंखा चलाने में ठंड लग रही है भाई यहाँ पे हल्द्वानी में, ऐसा मौसम हो रहा है। ये देखो ओरियो भी धूप में सोया हुआ है। गाइस दिल्ली वगैरह में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और उत्तराखंड में देखो भाई यहाँ पे हम धूप में बैठे हैं मस्त, इसलिए यहाँ का मौसम बेस्ट है। कुनाल यार स्कूल नहीं गया, छुट्टी है। तो फिलहाल अब ब्रेकफास्ट करते हैं, ये पनीर की सब्जी, हरी सब्जी, चटनी और रोटी। गाइज अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था, अब देखो लंच की तैयारी, अभी कड़ी बना रही है, फिर चावल बनाएंगे, कपड़े धोए, बर्तन धोए, इतना सब काम, मतलब मम्मी और चाची पूरा दिन खाना बनाने में, काम करने में पूरा दिन लगे रहते हैं। तो मम्मी मतलब आप काम वाले क्यों नहीं रखते, आप मेड क्यों रखते घर में, ये बताओ पहले। नहीं रखना मेरे, हैं नहीं, पूरा दिन काम करते रहते हो आप। पूरा दिन काम होता ही है, अपना घर का काम हो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं कि मेड रख लो घर में, मेड रख लो, लेकिन मम्मी और चाची को चाहिए ही नहीं, पूरा दिन लगे रहते हैं भाई। अब देखो लंच बन रहा है, इसके बाद खाएंगे, फिर डिनर की तैयारी करने लग जाएंगे। हमें अपने हाथ से ही काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन कब तक करोगे? जब तक हो तब तक करेंगे। तो गाइस मेरे को मत सुनाना, काफी लोग मुझे सुनाते हैं कि तू अपनी मम्मी चाची से काम कराता है, घर में मेड नहीं रखता। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अब मम्मी को चाहिए ही नहीं है, ठीक है मम्मी। आप काम करते हो दिखते हो, लोग मुझे सुनाते हैं। जो सुनाते होंगे उनकी मम्मियाँ नहीं करती होगी ना काम। उनकी मम्मियाँ नहीं करती होगी ना, उन्हें रखा होगा था। फिर छोटा छोटा काम होता है, बच्चे हैं छोटे घर में, सब कुछ है। वो काम वाली क्या क्या करेगी बेटा, क्या करेगी बता, सारा दिन जैसे अपने हाथ का काम होता है वैसे होता है, रहेगी वो सारा दिन घर, नहीं रहेगी वो, झाड़ू पोछा करेंगे चले जाएंगे सीधे ना, फिर शरीर भी ठीक रहता है, काम करके शरीर भी अच्छा होता है, हाथ पैर सही रहते हैं, बैठ के तो और भी दुखते हैं हाथ पैर। लेकिन सुनने को तो मेरे को मिलता है ना, कैसा बेटा है इतने पैसे कमा रहा है लेकिन फिर भी मम्मी और चाची से काम करवा रहा है। मम्मी क्या सुनना हो रहा है, अपने आप सुनते हैं, कहने वालों का क्या है, मुंह है ये बोलने दे, अपने आप बोलते हैं। जब हमारे से नहीं हो पाएगा फिर रखना ही पड़ेगा, जब तक हो रहा है कर रहे हैं। चलो जो भी है लेकिन सब खुश हैं, खुश रहना इम्पोर्टेंट है ना, खुश होकर काम करते हैं तो बढ़िया है। पकड़ा गया। क्या देख रहा था, क्या देख रहा था यार, शॉर्ट्स देखता रहता बस। तो एक मैच हो जाए चेस का साहिल के साथ में, देखते कौन जीतता है, पहला मैच है हमारा पहला। अभी खाना खाते खाते खेल रहे भाई, खाना खाते खाते चेस कौन खेलता है। अरे तू कहाँ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। हाँ। तेरी ड्रेस है स्कूल की, okay। स्कूल की ड्रेस है। हाँ। गाइस कोई भी नहीं जीत रहा, मैंने तो छोड़ दिया भाई, कोई भी नहीं जीत रहा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बोबिया के फार्म हाउस में, बोबे वहीं पे आए हुए हैं, वहाँ पे काम चल रहा है ना, चल रहे फार्म हाउस चल रहे हैं। जूते सूख गए भाई, थार लेके चलते हैं। आ जाओ। क्या हुआ, कौन बैठा ऊपर, कोई बैठा है क्या ऊपर, उल्टे काम। चल गेट तक, बस गेट तक भाई, ऊपर नहीं बैठना, पागल हो गया तुम, चलो ऊपर नहीं, चलाओ ना किस नहीं हो रहा, थोड़ा तेज चला भाई। सनरूफ अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स, बस हो गया। ओए उतर भाई, ऐसे नहीं भाई, रोड पे ठीक नहीं है ऐसा। गाइस साहिल के हमेशा उल्टे काम होते हैं, कह रहे ऊपर बैठ के जाऊंगा, देखना नहीं लटकना भाई, जगह नहीं है गाड़ी बना लेगा कुछ भाई, मेन रोड पे नहीं लटकते, गाड़ी में जगह नहीं है। ओरे गाड़ी चला रहे, ओरे चला। गाइस हमको तो पता नहीं था कि साहिल बैठा ऊपर भाई, वो तो चाची ने बता दिया, चाची ने साहिल ऊपर बैठा, मैं चलाने वाला था भाई, ये तो फार्म हाउस पहुंचा था पूरा। मैं बाहर होती एक आधा खाता मेरे हाथ से, एक आधा लगाती मैं, तो मेरे को चढ़ने उतरने में दिक्कत है गाड़ी में से, तो मेरा भरोसा उठ गया, सारे कर रहा मेरे से चुप, चाची को मत, भरोसा उठ गया मेरा, अच्छा भरोसा उठ गया, उल्टे काम को भी उल्टे काम करते। तो गाइस फार्म हाउस पहुंच गया, सामने बोबी भैया बैठे हैं, देखो प्रणाम 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 प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं यार, चाल चाल प्रणाम प्रणाम, अरे मम्मी में सब है, सब है। और यहाँ पीछे काम चल रहा है, देखो यहाँ बनेगी हट मस्त थी, तुम क्या कर रहे हो, चले जाएगा भाई, कूद जाएगा पानी में, बतख के लिए तो कूद ही जाएगा भाई, ऐसे यहाँ पर एक ईंट की दीवार कर देना, यहाँ पर सीमेंट रखना, उसके बीच में पत्थर डाल देना, ऐसे पूरा वॉल पेपर टाइप बना देना, पीछे उसमें झरना आ रहा है, यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से कूदो नहाओ, ऊपर से झरना आएगा मस्त, नहाओ उसमें, नहाने वाला बना है, अच्छा नहा, स्विमिंग पूल चाहिए इसको। गाइस ये जो फार्म हाउस है ना, ये बेस्ट जगह है हमारे चिल करने के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है ना ये, और यहाँ पे हम मस्त पूरी फैमिली साथ में चिल कर सकते हैं। अभी तक काम चल रहा है ना, पूरी प्रॉपर घास लगेगी और पेड़ लगेंगे और काफी कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा, लाइटें वाइटें लग के ना, तब मजा आएगा, तब देखना, अभी एक महीना तो लगी जाएगा, 1.5 महीना। तो अभी गाइस हमारी चाय आ गई है, चाय और बिस्कुट, चल कूद इधर देख, लैंडिंग नहीं, थोड़ी सेफ कूद गया लेकिन। हाँ भाई कूद तो गया भाई, बहुत ऊंचा है वो, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन बहुत ऊंचा है। तो गाइस आज मेरे न्यू फ्रेंड आने वाले हैं, तो चलो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, चले चलो चलो। सो गाइस आ चुके हमारे न्यू फ्रेंड लच्छू भाई। ये आ जाओ,
मम्मी जी कुनाली के नए फ्रेंड आए हैं। कुनाली के नए फ्रेंड आए, आपके नए दोस्त बने, नए दोस्त। अपने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराओ, आपके फ्रेंड का नाम क्या है? आप कितने साल के हो? मैं 27। 27 साल? अरे वाह। मैं डांस करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। अच्छा कॉमेडी करते, डांस भी करते हो? डांस कर दिखाओगे? जी जी। एक कंपटीशन कराते हैं आज, ठीक है ना? कुनाली और लच्छू जी का कंपटीशन रहेगा, कौन जीतेगा? पहाड़ी लच्छू जी। गाइस पहाड़ी लच्छू को सब्सक्राइब करना, भाई को फुल सपोर्ट करना। बहुत जल्दी एक गाना भी आ रहा है मेरा, कल तो शूटिंग। अच्छा, गाना भी आ रहा है? हाँ। तो गाइस कुनाली और लच्छू भैया का कंपटीशन होने वाला है। कुनाली रेडी कंपटीशन के लिए? देखते हैं कौन जीतता है। क्या हुआ? शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, रोक के दिया। शर्म आई, शर्म आई। तो फिलहाल यहाँ बैठ गए सभी गाइज। आज लच्छू भाई हमसे मिलने के लिए आए। लच्छू भाई हमारे गांव के हैं, पहाड़ के, उत्तराखंड के। तो काफी अच्छा लगा मिलके। आपकी वीडियो बहुत देखता था मैं, तो एक सपना था। अरे यार, मुलाकात। समोसे लो मम्मी जी। तो भी गाइज अंधेरा हो चुका है, अब चलते थार लेके अपने घर पे। भाई यहाँ तो पता नहीं चलता, बातें करते करते टाइम कैसे निकल जाता है फैमिली के साथ में। चले भाई। तो गाइज बड़ी मम्मी फंस चुका है, फंस गए निकल गए। आज बन रही है मिक्स वेज। डिनर रेडी हो चुका है, तो डिनर लेके मैं अपने रूम में आ गया। मिक्स वेज, हरी सब्जी, रायता एंड रोटी। गाइज कुछ दिनों में एक लंबी ट्रिप पे निकलने वाला हूँ, तब तो ये खाना नसीब नहीं होगा। तो अभी खा रहे थे जब तक है यहाँ पे। बहुत लंबी ट्रिप है गाइज, लेकिन खाने की दिक्कत होती है, खाना नसीब नहीं होता। ये खाना मेरा फेवरेट है, घर का, मम्मी के हाथ का। ट्रैवल करने में फुल मजा आता है गाइज, एक चीज की दिक्कत होती है बस, वह खाने की। होटल का, रेस्टोरेंट खा खा के ना अजीब सा होता है, मन नहीं करता खाने का, घर खाने की याद आती है। मेरा मन पता है क्या करता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मेरे को सब्सक्राइबर तो मिलते हैं हर जगह, इतने सब्सक्राइबर मिलते हैं, भीड़ लग जाती है। तो मेरा मन करता है किसी सब्सक्राइबर के घर पे चले जाऊँ और घर का खाना मिल जाए, मेरा मन ये करता है। लेकिन फिर शर्म भी आती है ना बोलने में कि हाँ घर खाना। तो गाइस खाना फिनिश, भजन सुन रहा था मस्त, मम्मी खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, टाइम क्या, अगर रात के 10 बज गए मैं ड्राइंग बनाऊंगा। तो कमेंट कर देना मुझे नेक्स्ट किस यूट्यूबर की, फिर किसकी ड्राइंग बनानी चाहिए, जिसके आपको उसकी बनाएंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गिरेगा भाई, खतरा का खिलाड़ी हूं मैं। गिरेगा गिरेगा गिरेगा, डरता नहीं है भाई, डरता नहीं किसी चीज से।